नमस्ते, मैं हूं आचार्य सिद्धार्थ, buddha.org में आपका स्वागत है। ये सत्र योग निद्रा का एक विशेष ध्यान है जिसमें हम उतरेंगे। इस योग निद्रा की जो हमने थीम जो रखी है वो है कैसे जो है आप आध्यात्मिक मार्ग में आपकी स्थापना हो, आपकी क्षमता बढ़े और कैसे आपकी जीवन में और जागृति घटे। तो एक संकल्प को हम यहां पे दोहराएंगे इस योग निद्रा में, जिसको हम स्थापित करेंगे आपके भीतर। चूंकि आपको और ज्यादा मार्ग में फोकस आपको तैयारी करेगा, और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो बहुत सहायक होगा। आइए शुरू करते हैं। कृपया योग निद्रा के लिए तैयार हो जाएं। फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं और शवासन नामक मुद्रा अपनाएं। इस स्थिति में शरीर सिर से पैर तक सीधा होना चाहिए, पैर थोड़े अलग और हाथ शरीर से थोड़ी दूर। हाथों की हथेलियां ऊपर की ओर हों। जब तक आप पूरी तरह से सहज ना हो जाए तब तक सब कुछ अपना शरीर, स्थिति और कपड़े समायोजित करें। योग निद्रा के दौरान कोई शारीरिक हलचल नहीं होनी चाहिए। एक बार योग निद्रा में प्रवेश के बाद शरीर में कोई हलचल ना हो। इसलिए अपने आप को पूरी तरह से सहज रूप से इसमें विराम में प्रवेश करें। अगले अभ्यास में आप शरीर में विश्राम की भावना विकसित करने जा रहे हैं। इसके लिए कोई हरकत करने या जानबूझकर अपनी मांसपेशियों को शिथिल करने की जरूरत नहीं है, बस विश्राम की भावना विकसित करें। ये वैसा ही है जैसे आपको सोने से ठीक पहले महसूस होता है। जब विश्राम गहरा हो जाता है तो नींद आ जाती है, लेकिन आपको खुद को पूरी तरह से जागृत रखने की कोशिश करनी चाहिए।
ये बहुत जरूरी है। अभी से खुद से संकल्प लें कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरे अभ्यास के दौरान जागृत रहूंगा। इस संकल्प को 3 बार भीतर जो है दोहराए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं पूरे अभ्यास के दौरान जागृत रहूंगा। योग निद्रा के दौरान आप सुनने और जागरूकता के स्तर पर काम कर रहे होते हैं, और एकमात्र महत्वपूर्ण बात प्रशिक्षक की आवाज का पालन करना है। आपको निर्देशों को बौद्धिक रूप से समझने या उनके विश्लेषण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मानसिक विश्राम में बाधा आएगी। बस पूरी एकाग्रता और भावना के साथ आवाज का पालन करें, और अगर समय समय पर विचार आपको परेशान करने लगे तो चिंता ना करें, बस अभ्यास जारी रखें। खुद को शांत और स्थिर होने दें। जब आप खुद अभ्यास कर रहे हो तो इसके लिए 5 मिनट का समय दें, अचानक शुरू ना करें। अब पूरे शरीर में आंतरिक विश्राम की भावना लें। शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और पूर्ण स्थिरता के महत्व से अवगत हो। सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक शरीर के बारे में अपनी जागरूकता विकसित करें, और मानसिक रूप से मंत्र ओम दोहराएं। पूरे शरीर की पूर्ण स्थिरता और पूर्ण जागरूकता। फिर से पूरे शरीर के बारे में अपनी जागरूकता जारी रखें। पूरे शरीर के प्रति जागरूक रहें, पूरे शरीर के लिए जागरूक रहें, पूरे शरीर के लिए।
इस तथ्य से अवगत हो जाएं कि आप योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं। मानसिक रूप से खुद से कहें, मैं जागरूक हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। इसे फिर से अपने आप से दोहराएं, मैं जागरूक हूं, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। योग निद्रा का अभ्यास अब शुरू होता है। इस समय तुम्हें अपना संकल्प कर लेना चाहिए। संकल्प बहुत सरल होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से संकल्प को खोजने का प्रयास करो। तुम्हें इस समय कहने के लिए संकल्प विकसित करना चाहिए। ये सरल भाषा में एक संक्षिप्त सकारात्मक कथन होना चाहिए। सजगता, भावना और जोर के साथ 3 बार कहा जाना चाहिए। योग निद्रा के दौरान तुम जो संकल्प करते हो वह तुम्हारे जीवन में अवश्य पूरा होता है। क्योंकि हमारी योग निद्रा का विषय अध्यात्म की गहराई में उतरना है, तो इस योग निद्रा का जो संकल्प है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है। मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा। इस संकल्प को 3 बार अपने भीतर दोहराना है। मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा। मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा। अब हम शरीर के विभिन्न भागों से यात्रा करते हुए चेतना का घूर्णन, जागरूकता का घूर्णन शुरू करते हैं। जितनी जल्दी हो सके जागरूकता को एक भाग से दूसरे भाग में जाना है। अपने मन में उस भाग को दोहराओ और साथ ही शरीर के उस भाग के प्रति जागरूक हो जाओ। अपने आप को सतर्क रखो, लेकिन बहुत अधिक एकाग्रता मत करो। अब दाहिने हाथ के प्रति जागरूक हो जाओ। अपनी चेतना को वहां ले जाओ। दाहिना हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हाथ की हथेली अपनी हथेली, हाथ का पिछला भाग, कलाई,
निचला हाथ, कोहनी, ऊपरी भुजा, कंधा, बगल, दाहिना कमर, दाहिना कूल्हा, दाहिना जांग, घुटने की हड्डी, पिंडली की मांसपेशी, टखना, एड़ी, दाहिने पैर का तलवा, पैर का ऊपरी भाग, अंगूठा, दूसरे पैर का अंगूठा, तीसरे पैर का अंगूठा, चौथा पैर का अंगूठा, पांचवें पैर का अंगूठा। अब बायां भाग, बाएं हाथ के अंगूठे, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, हाथ की हथेली, हाथ का पिछला भाग, कलाई, निचली भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा, कंधा, बगल, बायां कमर, बायां कूल्हा, बायां जांग, घुटने की टोपी, पिंडली की मांसपेशी, टखना, एड़ी, बाएं पैर का तलवा, पैर का ऊपरी भाग, पैर का अंगूठा, दूसरे पैर का अंगूठा, तीसरे पैर का अंगूठा, चौथा पैर का अंगूठा, पांचवा पैर का अंगूठा। अब पीठ की ओर, दाएं कंधे की हड्डी, बाएं कंधे की हड्डी, दाया नितंब, बाया नितंब, रीढ़, पूरी पीठ एक साथ। अब सिर के ऊपर जाए, सिर का ऊपरी हिस्सा, माथा, सिर के दोनों तरफ, दाहिनी भौं, बाईं भौं, भौहों के बीच का स्थान, दाहिनी पलक, बाईं पलक, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिना कान, बायां कान, दाहिना गाल, बायां गाल, नाक, नाक की नोक, ऊपरी होठ, निचला होठ, ठोटी, गला, दाहिना सीना, बायां सीना, छाती का बीच का हिस्सा। नाभि, पेट। पूरा दाहिना पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दाहिना हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ। पूरी पीठ, नितंब, रीढ़, कंधे की हड्डियां, पूरा सामने का हिस्सा, पेट, छाती, पूरी पीठ और सामने का हिस्सा एक साथ, पूरा सिर, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। कृपया सोए नहीं,
ये बहुत जरूरी है कि आप निद्रा में ना प्रवेश करें, पूर्ण जागरूकता बनाए रखें, कोई नींद नहीं, कोई हलचल नहीं। पूरा शरीर फर्श पर, अपने शरीर के फर्श पर लेटे होने के प्रति जागरूक हो जाएं। आपका शरीर फर्श पर लेटा हुआ है, अपने शरीर को इस कमरे में फर्श पर बिल्कुल स्थिर लेटा हुआ देखें। इस छवि को अपने मन में कल्पना करें। अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं। अपने फेफड़ों में अंदर और बाहर सांस के प्रवाह को महसूस करें। लय को बदलने की कोशिश ना करें। सांस लेना स्वाभाविक है, स्वचालित है। आप इसे नहीं कर रहे हैं, कोई प्रयास नहीं है। अपनी सांस के प्रति जागरूकता बनाए रखें, जारी रखें। सांस के प्रति पूरी जागरूकता। आप अपनी जागरूकता को अपनी नाभि क्षेत्र की गति पर केंद्रित करें। अपनी नाभि की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। आपकी नाभि हर सांस के साथ थोड़ा ऊपर और नीचे हो रही है। प्रत्येक सांस के साथ ये फैलती है और सिकुड़ती है। अब अपनी सांसों को 27 से 1 तक उल्टी गिनती करना शुरू करें। इस तरह से 27 नाभि ऊपर उठना, 27 नाभि नीचे गिरना, 26 नाभि ऊपर उठना, 26 नाभि नीचे गिरना, 25 नाभि ऊपर उठना, 25 नाभि नीचे गिरना इत्यादि। सांसों को गिनते समय शब्दों और संख्याओं को मानसिक रूप से खुद से कहें।
सुनिश्चित करें कि आप कोई गलती ना करें। यदि आप करते हैं तो आपको 27 पर वापस जाना होगा और फिर से शुरू करना होगा। अभ्यास जारी रखें, कोई गलती नहीं। अब नाभि की सांसों की गिनती बंद करें और अपना ध्यान छाती पर ले जाएं। कृपया छाती पर ले जाएं अपने ध्यान को। आपकी छाती प्रत्येक सांस के साथ थोड़ा ऊपर और नीचे हो रही है, इस बात का ध्यान रखें। छाती की गति पर ध्यान केंद्रित जारी रखें। 27 छाती ऊपर उठना, 27 छाती नीचे गिरना, 26 छाती ऊपर उठना, 26 छाती नीचे गिरना, 25 छाती ऊपर उठना, 25 छाती नीचे गिरना इत्यादि। गिनते समय शब्दों और संख्याओं को मानसिक रूप से अपने आप में दोबारा दोहराएं। कोई गलती ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो आपको फिर से शुरू में वापस जाना होगा 27 पर। गिनती जारी रखें 27 से 1 तक। अभ्यास जारी रखें। गिनती और जागरूकता, जागरूकता और गिनती। छाती से सांसों की गिनती बंद करें और अपनी जागरूकता को गले पर ले जाएं। कृपया गले पर ले जाएं अपने ध्यान को, अपनी जागरूकता को। गले में अंदर और बाहर आती जाती अपनी सांस के प्रति जागरूक हो जाएं।
इसके प्रति जागरूक हो जाए। सांस की गति पर ध्यान केंद्रित करें। गिनती बंद करें और अब नासिका पर जाएं। नासिका से अंदर और बाहर आती जाती सांस के प्रति सजग हो जाएं। नासिका से अंदर और बाहर आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करें और पहले की तरह गिनना शुरू करें। अब तक आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, 27 सांस अंदर, 27 सांस बाहर। कृपया पूर्ण सजगता रखें, गिनती जारी रखें, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अभ्यास जारी रखें। गिनती बंद करें और सांस को छोड़ दें। अब हम दृश्यकरण पर आते हैं। कई अलग अलग चीजों के नाम दिए जाएंगे और आपको सभी स्तरों पर उनका एक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। भावना सजगता, भावना कल्पना, जितना अच्छा आप कर सकते हैं
अपने भीतर उसका दृष्टिकरण करना है, जिसको इमेजिनेशन भी बोलते हैं। जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, अंतहीन रेगिस्तान, अंतहीन रेगिस्तान, अंतहीन रेगिस्तान। मिस्र का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड, मिस्र का पिरामिड। मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश। बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पहाड़। सूर्योदय के समय मंदिर, सूर्योदय के समय मंदिर। सूर्यास्त के पास उड़ते पक्षी, सूर्यास्त के पास उड़ते पक्षी, सूर्यास्त के पास उड़ते पक्षी। लाल बादल बह रहे हैं, लाल बादल बह रहे हैं, लाल बादल बह रहे हैं। एक चर्च के ऊपर एक क्रॉस, एक चर्च के ऊपर एक क्रॉस, एक चर्च के ऊपर एक क्रॉस। रात में तारे, रात में तारे, रात में तारे। पूर्णिमा, पूर्णिमा, पूर्णिमा। मुस्कुराते हुए बुध, मुस्कुराते हुए बुध, मुस्कुराते हुए बुध। समुद्र से हवा, समुद्र से हवा, समुद्र से हवा। सुनसान समुद्र तट पर टूटती लहरें, सुनसान समुद्र तट पर टूटती लहरें। बेचैन समुद्र, शाश्वत बेचैन समुद्र, शाश्वत बेचैन समुद्र। सुनसान समुद्र तट पर टूटती लहरें। अब अपने संकल्प को दोहराने का समय है। अभ्यास के आरंभ में जो संकल्प किया था उसे दोहराएं, उसमें बदलाव ना करें। संकल्प को पूरी सजगता और भावना के साथ तीन बार दोहराएं। मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा, मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा।
मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा। मैं अनुशासित और केंद्रित रहूंगा। मैं अपनी आध्यात्मिक क्षमता को जागृत करूंगा। सभी प्रयासों को शिथिल कर दें, अपने मन को बाहर खींचें और अपनी सांस के प्रति सजग हो जाएं। प्राकृतिक सांस के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर के प्रति सजगता और सांस के प्रति सजगता। आपका शरीर फर्श पर पूरी तरह शिथिल लेटा है। आप शांति से और धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। सिर के ऊपर से लेकर पैर की उंगलियों तक अपने शरीर के प्रति सजगता विकसित करें और मन में का उच्चारण करें। को मानसिक रूप से दो बार और अपने आप से दोहराएं। फर्श के प्रति सजग हो जाएं और फर्श पर लेटे हुए अपने शरीर को स्थिति के प्रति सजग हो जाएं। अपने आसपास के कमरे की कल्पना करें। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। कुछ देर के लिए चुपचाप लेट रहें और अपनी आंखें बंद रखें। अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा सा हिलाएं। शरीर अगर अंगड़ाई लेना चाहता है तो उसको मौका दें। कृपया अपना समय लें, जल्दबाजी ना करें।
जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आप पूरी तरह से जाग चुके हैं, तो धीरे से उठकर बैठ जाएं और अपनी आंखें खोलें। योग निद्रा का अभ्यास अब पूरा हो गया है। इस योग निद्रा में भाग लेने के लिए आपका धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।